नमस्कार दोस्तों, आज एक फर्राटा फैन की मोटर है, इसका वाइंडिंग डाटा बताएंगे और वाइंडिंग की डाटा चार्ट देंगे। ठीक है, इसमें एल्युमिनियम और कॉपर दोनों का वाइंडिंग डाटा बताएंगे। चलिए तो मोटर की कोर की मोटाई देखते हैं, कितनी एमएम की है मोटर। और इनर डाया 62 एमएम है और आउटर डाया 108 एमएम है। इसमें जो पीवीसी इस्तेमाल करेंगे वो 7 नंबर की इसमें लगी हुई है और दोनों डाटा में हमारा 3.25 का कैपेसिटर लगेगा। ये 2 ब्लेड फैन है, इसमें 2 ब्लेड की पंखड़ी लगी हुई है और ये 2800 आरपीएम में चलेगा। ये 24 स्लॉट की मोटर है। तो चलिए आपको हम एल्युमिनियम वायर का डाटा बताते हैं। इसकी रनिंग की कॉयल में हम इस्तेमाल करेंगे 31 नंबर और टन लगाएंगे 250। क्वाइल साइज होगा 33 इंच गोलाई में। ठीक है, और स्टार्टिंग का आपको बताते हैं। स्टार्टिंग में हम गेज इस्तेमाल करेंगे, वो होगा 32 नंबर और इसमें टन लगाएंगे 260 और क्वाइल साइज होगा 32 इंच। ठीक है, गोलाई में। अब चलिए एल्युमिनियम का ये डाटा बताया है तो एल्युमिनियम की डाटा चार्ट आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये एल्युमिनियम की डाटा चार्ट है। ठीक है, अब आपको कॉपर का डाटा बताते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग में जो हमने इसमें टन इस्तेमाल की है, टन हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के सेम रहेंगे, जो एल्युमिनियम के थे वही कॉपर के रहेंगे, सिर्फ गेज चेंज होगा। रनिंग में गेज लगेगा 32 नंबर और स्टार्टिंग में गेज लगेगा 33 नंबर। ठीक है, कैपेसिटर एल्युमिनियम और कॉपर की बाइंडिंग में 3.25 का ही लगेगा। ठीक है, और स्पीड अच्छी आएगी। कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए कॉपर की बाइंडिंग डाटा चार्ट आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये कॉपर की बाइंडिंग डाटा चार्ट है। इसकी वोल्टेज की कैपेसिटी रहेगी 200 से 250 वोल्टेज तक ये अच्छे से वर्क करेगा, कोई समस्या नहीं होगी बिल्कुल भी, और हाई स्पीड में चलेगा। ठीक है, एक भाई ने हमसे कमेंट किया था, पूछा था कंपनी मोटर में हाई स्पीड की बाइंडिंग क्यों नहीं करती है। कंपनी इसमें हाई स्पीड की बाइंडिंग इसलिए नहीं देती है, कंपनी इसके वाट का भी हिसाब रखती है कि इतनी कोर की मोटाई है, इतने वाट पे चलेगा और अच्छे से ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस हिसाब से वो उसी हिसाब से डाटा डालते हैं कि फैन कम वाट पे अच्छे से चलता रहे, लाइट की खपत भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि अब आजकल इन्वर्टर का ज़माना आ गया है और लाइट की भी आप देखते हैं, सब कोई हर कोई चाहता है कि यूनिट ज़्यादा कम से कम आ पाएँ। इस वजह से ये कंपनी उसी हिसाब से फ़ैन बनाती है, और जब हम बाइंड करते हैं तो हम उसी तरह का भी फ़ैन बना सकते हैं। और ये भी क्योंकि हम जहाँ पे वाइंडिंग कर रहे हैं वहाँ पे लाइट थोड़ी कम भी हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती, उसी हिसाब से हाई स्पीड का जो डाटा होता है वो थोड़ी ज़्यादा लाइट ले लेगा, जल्दी से जलेगा नहीं। ठीक है, और उसमें वाट भी थोड़े ज़्यादा खपत होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपको समस्या लगती हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, इसी तरह के नॉलेज फुल हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।